happy. Don't waste my time, no. I'm young and dumb and hopeless, right? But I'm bound to. Show ya. Show me the cast like Carmen. Wanna swim down to the deep end. Wanna know all my secrets, honestly. Can you keep it right around? Too bad I've been sticking out. Ye hai Buddha ji. जो कि काफी मस्त लग रहे हैं और इनके आसपास का व्यू देखो जो कि काफी अट्रैक्टिव है 300 फीट ओ प्यारा है बाय बाय स्पीति तो अब बारी है स्पीति को बाय बाय बोलने की और यहां से निकलने की और हम कहां जाएंगे वो तो वीडियो के लास्ट में ही पता चलेगा बाकी यार हाइट पे है ना तो सांस चढ़े रहते हैं हर टाइम तो जो आज का प्लान है या बोल सकते हो जो आज का दिन है हमारा पांचवा और अब तक के चार दिनों के बाद जो सबसे टफ डे है ना वो आज होने वाला है क्योंकि जहाँ पे हम जाएंगे वहाँ पे टेम्परेचर होगा -4 या -5 रात में और कैंपिंग करने वाले हैं और वहाँ पर सड़कें है ही नहीं मतलब बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग होगी बहुत सारा ऑफ रोड होगा बहुत सारा एडवेंचर होगा तो कुल मिला के आप ये बोल सकते हो कि आज आपको आने वाला है मज़ा तो भाई किस चीज़ का वेट कर रहे हो फटाफट एक बार वीडियो पोज करो पॉपकॉर्न ले आओ चाय वाय ले लो और वीडियो कंटिन्यू करो तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं तो थोड़ी देर बाद बात करते हैं यार एक बात बताऊँ आप सबको मुझे ना इस रोड ट्रिप से प्यार हो गया है मतलब मक्खन सड़कें भी देखी मैंने मक्खन प्लस टूटी फूटी भी देखी आज मैं देखने वाला हूँ एक्सट्रीम मतलब जहाँ पर सड़कें है ही नहीं एक बार और आऊँगा जब बाइक चेंज करूँगा ना कभी भी उसके बाद एक बार और आऊँगा और यार अगर आप मैं बाइक चलाने का थोड़ा सा भी मन है ना तो इस ट्रिप पे आओ भगवान कसम दिल खुश हो जाएगा नेक्स्ट लेवल एडवेंचर है नेक्स्ट लेवल वेदर है सब कुछ नेक्स्ट लेवल है मतलब आपको ना ये चीज़ें हल्की लगेगी नहीं देखो टफ है बहुत ज़्यादा टफ है पर जितना टफ है ना इसमें ही मज़ा है बाकी हमें अभी जाना है कहाँ जाना है बता देंगे थोड़ा सा तो वेट कर लो बट मज़ा आएगा आपको अगर आप सीधा जाओगे तो आप चले जाओगे की मोनेस्ट्री बाकी हाँ एक चीज़ मैं बताता हूँ अगर आप कभी भी विंटर स्पीति का प्लान करोगे तो आपको ना मतलब ऑनलाइन होटल्स नहीं मिलेंगे ऑनलाइन होटल्स चेक करोगे सब बंद मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पर आपको और अगर आपका मन है कि भाई आना ही आना है तो आ जाओ होटल्स खुले मिलेंगे बट ऑनलाइन ओपन नहीं मिलेंगे ऑनलाइन तो सब कुछ आपको बंद ही मिलेगा और आप यहाँ तक आ सकते हो स्पीति तक आ सकते हो पर स्पीति से आगे एक लास्ट में यहाँ पे की मोनेस्ट्री पड़ती है सिर्फ वहाँ तक जा सकते हो उसके आगे नहीं जा सकते आप उसके आगे सब ब्लॉक होगा यहाँ तक के रास्ते आपको खुले मिल सकते हैं बाकी किस्मत है आपकी हमें अभी यहाँ से जाना है लेफ्ट और की मोनेस्ट्री है वो है सीधा राइट बाकी हमें अभी जाना है पहले लोजर पता नहीं लोजर करके उस जगह नाम पढ़ता हूँ अभी हाँ देखो ये तो नीचे तो है स्पीति रिवर रंगरिक ग्रम्फू बहुत मुश्किल नाम है एक जगह है लोसर करके जो कि है 56 किलोमीटर तो हमें जाना है वहाँ पे मतलब पहला पॉइंट है उसके बाद भी जाना है पर पहला पॉइंट 56 किलोमीटर बाद है ओके तो हम चले थे स्पीति से और अभी पहुँचने वाले हैं लासोर जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास और बाकी है और भाई यहाँ तक की जो सड़क है वो है एकदम मक्खन मतलब मैंने काफ़ी लोगों से पूछा था कि भाई जो हमारा रूट है आज का उसकी सड़कें कैसी है तो सब ने तारीफ़ की थी और मैंने खुद से भी देखा कि हाँ ये वाली सड़कें बहुत प्यारी है और व्यू तो आपको पता ही है स्पीति के अलग ही होते हैं एकदम अच्छे वाले बट यार यहाँ पर ना ठंडे वाली हवा चल रही है और इतनी ठंडी हवा चल रही है कि ना नाक बहने लग गया है हाथ सुनो गए ग्लव्स के अंदर से तो आप कभी भी आओ तो थोड़े से ना जो अपने ग्लव्स वगैरह है थोड़े अच्छी क्वालिटी के लाना जिसमें हवा आर पार ना हो हवा तो इनमें भी आर पार नहीं हो रही बट ठंड इतनी है कि बस हाथों में ना फील हो रहा है कि हाँ ठंड है और नाक भी बह रहा है बट अब असली एडवेंचर अब स्टार्ट होने वाला है जैसे ही लासोर ख़त्म होगा फिर सड़कें ख़त्म हो जाएगी फिर आएगी टूटी फूटी सड़कें कहीं सड़कें होगी कहीं नहीं होगी बहुत बुरा हाल होगा वहाँ पर ओ
आवाज़ सुनी लकड़ी के पुल की, मस्त थी ना। बाकी यहाँ पे है ना बीच में कहीं भी कुछ भी नहीं पड़ता, बीच में चार पांच गांव आते हैं, हंस आता है और गांवों के नाम याद नहीं है, अजीब अजीब से थे, पर खाने पीने का कुछ नहीं होता। भाई अगर आप स्पीति से आ रहे हो ना तो अपना खा पी के आओ, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। तो लासोर में एक मिलेगी चेक पोस्ट जहाँ पे आपसे फिर से आपका नाम पता फ़ोन नंबर नाम पता फ़ोन नंबर पूछेंगे। बाकी काफ़ी सारे होम स्टे है यहाँ पे और यहाँ पे आपको ढाबे वगैरह मिल जाएंगे, तो डरने वाली बात नहीं है। 50 किलोमीटर आओ और खाओ पियो और आगे निकल जाओ हमारी तरह। थोड़ा सा फन करने की बारी आ गई है मेरे यारो। टायर धसे टन टन ओ टायर स्लिप। ये तो कुछ ज्यादा ही फन हो गया। सब ठीक है, दस किलोमीटर हो चुके हैं, सड़क खत्म ही नहीं हो रही भाई, खत्म ही नहीं हो रही, पता नहीं कभी खत्म होगी। और आप देखो सड़क है ही नहीं, टू मच फन। बट हाँ ये है, वाटर क्रॉसिंग नहीं मिली हमें अब तक कोई भी। और देखो मैंने आपको दिखाया था ना ये पहाड़ थोड़ी सी दूर से, अब थोड़ा सा पास से देखो, मेरे को लगता है हम और पास जाने वाले हैं इनके। पर यार ये सड़क ने एडवेंचर बढ़िया वाला करवा दिया है हमारा। पर भाई एक बात बताऊँ, बाइक की तारीफ करनी पड़ेगी, मेरे को उम्मीद नहीं थी पर अपनी बाइक है काफी मस्त वाली, एकदम मस्त चल रही है। तो ये है कुंजुम पास की हाइट है 4590 मीटर, गाजा से 78 किलोमीटर दूर और लोसर से 19 किलोमीटर दूर। तो उन्होंने बोला कृपया माता के मंदिर से परिक्रमा करके ही जाए, तो चलो सारे बोलो कुंजुम माता की जय। भगवान जल्दी जल्दी करो करो, बस भगवान भगवान जल्दी जल्दी चल चले। तो देखो कुंजुम पास यहाँ से है ना ऊपर कम से कम 4 या 5 किलोमीटर ऊपर है, वहां से हम नीचे ही आए जा रहे हैं, नीचे ही नीचे नीचे। और देखो जहां तक तुम देख सकते हो ना, अभी तो कहीं भी नहीं देख सकते, मैं दिखाता हूँ, वेट करो, बिल्कुल नीचे जाना है अभी हमें, उसके बाद देखते हैं कि चंद्रताल कितनी दूर है। मैंने बताया था ना कि हम कहाँ जाएंगे वीडियो के लास्ट में, तो मैं बताता हूँ अभी हम जा रहे हैं चंद्रताल लेक, या उसको आप बोल सकते हो मून लेक, वहाँ पे करेंगे हम कैंपिंग। 21 किलोमीटर के बाद आइए फाइनली, क्या आई है वाटर क्रॉसिंग। ओए होए थक गए हैं भाई,
दो घंटे हो गया चलते चलते इस सड़क पे लगातार। हाँ, और 21 किलोमीटर हो गया। 21? हाँ। चलो भाई अब देखते हैं कि हम वाटर क्रॉसिंग एक बार में पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यहाँ से तो साइड में निकलना चाहिए। और ये नन्ही सी छोटी सी बच्ची सी हो गई है पार। भाई इसमें देखना पड़ेगा एक बार अच्छे से। तो एक बार देखते हैं, पानी देखो कितना साफ है, हाथ डाल के देखो एक बार। ओह बहुत ठंडा है। Fly with the stars, sound free. Party all day, every weekend. Make it boom, boom to the beat. Make it boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Fly with the stars, sound free. Party all day, every week. तो यहाँ से चंद्रताल है सिर्फ 4 या 5 किलोमीटर दूर। और एक बार आप देखो आज की रात हम यहाँ करेंगे कैंपिंग। टू मच फन, टू मच एडवेंचर होने वाला है यहाँ पे। तो फाइनली 30 किलोमीटर ऑफ रोड चलने के बाद हम पहुंच गए अपने कैंप में। अब कैंप देखना पड़ेगा ये वाला है, वो वाला है या वो वाला है, आइडिया नहीं है कौन से वाला है। बट यार जो भी है रास्ता बड़ा खतरनाक था, खुद ही देख लो, मैं क्या बताऊँ कितना मस्त रास्ता, देख लो, देखो देखो। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर रहने वाला है वो रात में होगा -4 -5 के आसपास। रुको जरा अभी एडवेंचर बाकी है। एक और वाटर क्रॉसिंग आई है तो देखते हैं इस बार पार होगी या नहीं होगी। पहले तुषार को जाने देते हैं। किसे तुम्हारी रेल? और भाई हमने भी कर दिए पार। ये ओ चैंपियन हम। तो बताओ कैसी लगी आपको वाटर क्रॉसिंग? अगर अच्छी लगी है तो फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ओके तो अब हम करेंगे एक छोटा सा पुल पार। सबसे पहले जाएगा तुषार, अगर वो गिर गया तो मैं नहीं जाऊंगा। चल भाई, खतरों के खिलाड़ी, ऑल द बेस्ट। लड़के टैलेंटेड है तू तो। वाह, अब मैं पार करूंगा पर मैं चाहता हूं तुषार मेरी आगे से वीडियो बनाए। राम 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 राम। ये तो सिंपल सी है, कोई ना गिरता हुआ बंदा भी गिर जाए, इतने ड्रामे करके आए। राम 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 राम, ये सिंपल था, राम का नाम लिया तो पार हो गया। तो आज का एडवेंचर बस यही तक था। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता ही क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बस खत्म, टाटा बाय। I ran up a check, I might do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I've been swaying for the winds. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I'll do it again. Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what?